हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसका नाम है प्याज कचौरी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोगों को ये बहुत पसंद आती है और लोग बड़े चाव से इसको खाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये खस्ता और बहुत ही टेस्टी प्याज कचौरी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना, और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे कि हर कोई इसे आसानी से बना पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे। एक बाउल के अंदर हम 1 कप मैदा डालेंगे, और 1 कप मैदा हमने लिया है अपने कप के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, और ये मैंने थोड़े से अजवाइन के दाने लिए हैं, जिससे कि हमारी प्याज कचौरी का टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो हम इनको भी अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसमें जो है 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल का डालेंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने खाने वाला रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। अब हम इसको भी हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें जितना भी पानी हमें चाहिए होगा उस पानी के अकॉर्डिंग हम इसका एक अच्छा सा डो प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, हम जो डो बनाएंगे वो भटूरी का जो डो प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल नरम डो, उस टाइप का हम ये डो प्रिपेयर करेंगे। हमारा डो फ्रेंड्स देखिए प्रिपेयर हो चुका है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट डो प्रिपेयर हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको चिकना करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हम इसको एक कपड़े से ढककर रखेंगे ताकि ये जो हमारा डो है वो सूखे ना। अब फ्रेंड्स, हम अपना मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, हमने एक पैन को गैस पे चढ़ा दिया है, और इसमें हम 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डालेंगे। और उसके अंदर जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें राई के दाने डाल देंगे, जिन्हें हम सरसों के दाने भी बोलते हैं, और उसके साथ हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जब राई और जीरा अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके बाद हम इसमें, हमने एक आलू को पहले से उबाल के मैश करके रखा हुआ था वो डालेंगे, और इसको अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे। करीबन 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम जो है वो इस आलू के अंदर अपना और मसाला मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आलू को अच्छे से भून लिया है। और अब फ्रेंड्स, हम इसमें जो है वो बेसन मिलाएंगे, जो हमने 2 छोटे चम्मच बेसन लिया है इसको अच्छे से मिलाएंगे, और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारी जो बेसन है वो अच्छे से सिक जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें, हमने एक प्याज को अच्छे से चॉप करके रखा हुआ था वो मिक्स करेंगे, और एक हरी मिर्च को मैंने लिया था और अच्छे से चॉप करके रखा हुआ था, तो इसको भी हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको इसको मिलाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है बेसन की वजह से, बट आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट इसको पका लीजिए, और इसके बाद हम इसमें अपना जो मसाला है, जो चटपटा मसाला, हम इसमें मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा अच्छे से सब मिक्स हो गया है। अब मैंने इसमें अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, और आधा चम्मच जो है मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आधा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हम इसके अच्छी तरह से बॉल्स बना पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने डो की तरफ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हमने अपने डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था और ये हमारा डो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा अपने हाथों से थोड़ा मैश कर लेते हैं ताकि हमारा डो, हमें पता लग जाए कि हमारे डो की इस वक्त की कंडीशन क्या है। तो हमारा डो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है और अब फ्रेंड्स हम इसको हाथों से ऐसे इसकी लोइयाँ तोड़ने के लिए इसको थोड़ा बेल लेंगे। अब हम इसके बराबर बराबर में जिस भी साइज़ की आपको कचौरियाँ बनानी हो उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप इनकी लोइयाँ तोड़ लें। तो फ्रेंड्स मैंने ये देखिए मेरी जो 4 लोइयाँ प्रिपेयर हुई है और मैंने 4 लोइयाँ अच्छे से तोड़ ली है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और दोनों हाथों को अच्छे से चिकना करेंगे और इस तरह से अपने हाथों को चिकना करने के बाद हम जो हमारी लोई जो है इसको हम थोड़ा सा चपटा आकार दे देंगे। फ्रेंड्स इसको पूरा गोल नहीं करना है, बस हल्का हल्का प्रेस करके इसको चपटा करके छोड़ना है ताकि जो हमारे हाथों में जो ऑयल लगा हुआ है वो हमारी ये जो कचौरियाँ हैं उस पर अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये हमने हमारी 4 कचौरियाँ बना ली है और अब हम इनको 5 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा मसाला, तो ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं ताकि हम जब कचौरियों में मसाला भरें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आप अपनी कचौरी के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो अपने बॉल्स बना लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बॉल्स रेडी है। अब हम इसी तरह से अपनी सारी बॉल्स बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी 4 बॉल्स को अच्छे से बना लिया है और ये बिल्कुल गोल बनी है। अब फ्रेंड्स हम अपने जो कचौरियाँ हैं उनको देख लेते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से सेट भी हो चुकी है। अब फ्रेंड्स हम इनमें अपनी ये जो हमने लोई बनाई थी इसको अच्छे से थोड़ा सा फैला लेते हैं और इसके अंदर हमने जो बॉल्स बनाए हैं वो सेट करेंगे। फ्रेंड्स इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना है, आप देखिए मैंने हल्का हल्का इसको मोटा रखा हुआ है, एकदम से आपको इसको पतला नहीं करना है। अब हम इसमें ये रखेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अपनी जो लोई है इसको हल्का हल्का ऐसे बढ़ाते जाएंगे और इसको अच्छे से इस मसाले के बॉल्स को कवर कर देंगे। इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हमारा मसाला जो बाहर की तरफ ना आ पाए, इसको हमें हल्के हल्के हाथों से अंदर ही प्रेस करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स जो मैं जिस तरीके से कर रही हूँ आपको भी वैसे ही करना है। इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऊपर करते हुए जो भी ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट हमारी लोई का आता है इसको इस तरह से करके और ऊपर से तोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड्स आपको इसको ऐसे अलग कर देना है और ये हमारी बॉल्स बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कचौरी बिल्कुल रेडी है और इसी तरह से हम 4 कचौरियाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी 4 कचौरियाँ बनके बिल्कुल रेडी हैं और बिल्कुल अच्छे से इनमें जो है बॉल्स फिट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स हम एक पैन टिकाएंगे गैस पे और उसके अंदर हम करीब 4 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। और फ्रेंड्स अब हम अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लेंगे और अपने दोनों हाथों को चिकना करेंगे और ये जो हमारी कचौरियाँ हैं इनको हल्के हल्के हाथों से थोड़ा 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 फैला देंगे ताकि ये जो हमारी कचौरियाँ हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाए और जो जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं बिल्कुल उसी साइज़ में बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कचौरी जो इतनी बड़ी होगी, आपको ज़्यादा नहीं फैलाना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा फैलाएंगे तो आपका मसाला निकलने का डर हो सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा फैलाएं इनको। तो फ्रेंड्स ये हमने 4 कचौरियों को इस तरह से बेल लिया है और अब हम देखते हैं कि हमारा ऑयल गरम हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हमारा ऑयल पूरा गरम नहीं हुआ है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए और गरम करने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम इन कचौरियों को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम एक बार फिर से चेक करते हैं, तो अब मुझे लगता है कि हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है तो हम इनमें कचौरियाँ डाल देते हैं।
और फ्रेंड्स हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पहली बार अब हम जब कचौरी फ्राई कर रहे हैं तो हमें इसको 1 मिनट के अंदर ही बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन होते ही हमें इन कचौरियों को निकाल लेना है। हमें इनको पूरा नहीं पकाना है, बिल्कुल 1 मिनट पकाना है कि इसमें सिर्फ हल्का ब्राउन कलर आ जाए, सिर्फ उतना ही हमें इसको पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों कचौरियों को जो है वो अच्छे से एक एक मिनट के लिए इनको तल के रख लिया है। अब फ्रेंड्स हम इनको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि हमारी कचौरी जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही क्रंची बनेगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप भी इसे अपनी रेसिपी में यूज़ कीजिएगा, इससे आपकी कचौरियाँ बहुत अच्छी बनेगी। तो हम अपनी कचौरी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स हमारी कचौरी जो है वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी फटने वाली नहीं दिख रही है हमें, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हुई हुई है। अब हम इसको ऑयल में फिर से डालेंगे। तो फ्रेंड्स हमने गैस ऑन कर दी है और हमारा जो ऑयल है वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही पूरा ठंडा हुआ है, तो ये मीडियम फ्लेम का ऑयल है अभी। तो हम अब हमें क्या करना है कि हमें लो फ्लेम पे जो हमारी कचौरियाँ हैं वो पूरी तरह से पकानी है। तो फ्रेंड्स ये हमने कचौरियाँ डाल दी है इसमें और अब हम इसको लो फ्लेम पे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। फ्रेंड्स लो फ्लेम पे पकाने से आपकी कचौरियाँ जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है, इनमें एक ये बहुत ही क्रिस्पी बन जाती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी कचौरियाँ जो है वो बिल्कुल ब्राउन दिख रही है और हमने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी कचौरियों का कलर बहुत ही अच्छा आया है, जैसे हमने बिल्कुल सोचा था कि हाँ ऐसी ही बननी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी के लिए टाटा बाय बाय।